अस्सलाम वालेकुम। आज आपको फुट लॉन्ग चिकन सैंडविच बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने दो चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, उनको इस तरह लंबाई में काट लिया है। इसको जूलियन कट कहते हैं। एक अदद बारीक कटी हुई प्याज, एक कप स्वीट कॉर्न यानी उबली हुई मकई, एक अदद बारीक कटी हुई सुरख शिमला मिर्च, एक कप चेडर चीज़, 4 खाने के चम्मच टोमाटो केचप, 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हसबे जायका, 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, 1 चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, इसमें ओरिगानो, बेजल और थाइम सब मिक्स हैं, 4 अदद लंबे वाले बर्गर बंस और लेटस हसबे ज़रूरत। पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तेज़ आंच पर हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। प्याज को हमने 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, मिक्स हर्ब्स और टमाटो केचप डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च कटी हुई डालकर मिक्स कर लेंगे। और इसको 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर बंद को सेक लेंगे। एक मिनट तक हमने सब चीज़ों को पका लिया है। अब हम इसमें चेडर चीज़ मिक्स कर देंगे। चेडर चीज़ मिक्स करके हम चूल्हे को बंद कर देंगे। सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब सैंडविच को असेंबल कर लेंगे। बंस गर्म कर लिए हैं। अब इन पर लेटस लगा देंगे। अब इन पर तैयार किया हुआ चिकन वाला मिक्सचर लगाकर सर्व कर देंगे। फुट लॉन्ग चिकन सैंडविच बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके सैंडविच कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।